चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिकुन नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, थ्री नंबर आर इन द रेशियो 5:6:7 है, ये मुझे दे रखा है। इफ देयर प्रोडक्ट इज 5:6:5:6:7:0 है, देन द ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर क्या, एग्जामिनर ने पूछा है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 5, 6 और 7 आएगा। इनको इनके मल्टीप्लाई में क्या नंबर, में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये वैल्यू बन जाए, तो इससे डायरेक्ट इसी को से उसको डिवाइड कर दीजिए। 5, 6 × 6 और × 7 तो 5 से कटेगा, तो 5 × 11 = 55 55 और 5 × 11 = 55 और 5 × 3 = 15 15 और 5 × 20 हो जाएगा। 7 से कटेगा आपका, 7 × 7 = 7 7 × 4 = 7 7 = 42 और 7 × 2 = 14 6 × 6 = 12 और 6 × 7 = 42 यानी कि इसको अगर 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यही वैल्यू बनेगी इनके प्रोडक्ट में। बट क्या करना है, मल्टीप्लाई करने से पहले इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकाल के कितना आएगा, 3। इस 3 को बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 21 जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 5 × 6 × 7 बट मल्टीप्लीकेशन जो होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या किया मैंने, इन तीनों नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके जो वैल्यू है मेरे पास 27, यानी इस पूरे नंबर को 27 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी ये वैल्यू बन जाएगी। जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसका क्यूब रूट निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे कितने 3 नंबर थे, और जो नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 21 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में इसका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब ये क्यूब रूट क्यों निकाला वो समझिए। देखिए, एग्जामिनर ने जो दे रखा था मुझे, वो दे रखा था वैल्यू इधर की थी 5x, माना कि x है, x में 5x संख्या थी, दूसरी कितनी आपकी 6x है, और तीसरी जो मेरे पास में आपकी वो 7x है। बराबर में इन तीनों का जो प्रोडक्ट दे रखा, यानी इन तीनों का मैं गुना करूंगा तो मेरे पास में 5 × 6 × आपका कितना जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये मेरे पास में 3x है, तो 3x का मतलब x का क्यूब बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 5 6 7 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका, 5 6 7 0 डिवाइड बाय में 5 × 6 × 7 इसे काटेंगे तो एक्स क्यूब इजकल टू में कितना आएगा मेरे पास में आपका, 27 आएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्यूब रूट 27 आएगी, और क्यूब रूट का मतलब होता है इसमें 3 का पेयर बाहर निकलेगा, यानी कि 3 3 और 3, तो एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3 आएगा। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, इसको उठा के इसमें रख दीजिए, तो ये कितना होगा, 7 3 21, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।